इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं BSNL, प्यारी जोड़ी का कमाल, मोबाइल से मनचाहे BSNL लैंडलाइन पर करें मुफ्त कॉल, और अर्ली यूनिवर्सिटी, ब्रिंगिंग एम्बिशन इन लाइफ। हज का भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे कुलदीप बिश्नोई, प्रचार के दौरान अजय चौटाला पर किए तीखे हमले। रतिया उपचुनाव में प्रचार के लिए आगे आए तीनों बड़े दलों के प्रदेश अध्यक्ष, अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का किया दावा। और कालावली में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए की रुई जलकर राख। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। अब खबरें विस्तार से। रतिया और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। कुलदीप बिश्नोई ने बुधवार को हजका भाजपा गठबंधन उम्मीदवार रेणुका बिश्नोई के लिए मंडी आदमपुर के दो दर्जन से ज्यादा गांव में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर हरियाणा जनहित कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने रेणुका बिश्नोई की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने इनेलो नेता अजय चौटाला पर भी तीखे प्रहार किए। ये इलाका हमेशा हमारे परिवार की तरह रहा है और इस इलाके हर इलेक्शन परिवार की तरह लड़ा है इन लोगों ने, और आज भी ये परिवार समझ के चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव कोई ना रेणुका का है ना मेरा है, ये चुनाव आदमपुर हलके की जनता का है। अजय चौटाला को बेचारे को सदमा लगा हुआ है, लगातार तीन चुनाव लोकसभा के हार चुका है। हैट्रिक होगी लोकसभा चुनाव की। पहले मैंने हराया भिवानी से, फिर श्रुति ने हराया, फिर मैंने अभी सहारसा हरा दिया, तो बेचारे सदमे में है। मैं कह रहा हूँ अजय चौटाला का नाम बदल के उनका नाम हार की भुआ चौटाला रखना चाहिए। रतिया में चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों बड़े दलों के प्रदेश अध्यक्ष प्रचार मैदान में उतर आए हैं। इस दिलचस्प मुकाबले में सभी नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। रतिया का त्रिकोणीय मुकाबला तीनों बड़ी पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गया है, तो तीनों दलों के सेनापति भी राजनीति के रण में उतर गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मलाना ने कांग्रेस उम्मीदवार जगनैल सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। मलाना ने दावा किया कि रतिया में कांग्रेस इस बार नया इतिहास रचेगी। मलाना ने विपक्ष पर जनता को बहकाने का आरोप भी लगाया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी लगातार सरफी बाई के लिए वोट मांग रहे हैं। रतिया की अनाज मंडी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे अशोक अरोड़ा ने दावा किया कि इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रतिया क्षेत्र इस वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का चौटाला साहब का पूरी तरह से कट्टे समर्थक क्षेत्र है, और यहाँ के क्षेत्र की सेवा भी उन्हीं लोगों ने की है, और आज उन्हीं के नाम पर उन्हीं के प्रत्याशी को भारी समर्थन। मुकाबले के तीसरे सेनापति कृष्णपाल गुर्जर के मुताबिक बाकी दलों के दावे इस बार खोखले साबित होंगे और जीत हजका भाजपा गठबंधन की ही होगी। ये गठबंधन आने वाले दिनों में हरियाणा में निश्चित तौर पर सरकार बनाएगा, और इन दोनों दलों का कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की प्रतीक है, इनेलो जो दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की प्रतीक है, इन दोनों दलों से ये गठबंधन हरियाणा की शांतिप्रिय जनता को मुक्ति दिलाने का काम करेगा। दावों की राजनीति में कोई भी दल पीछे नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि दावों को हकीकत में बदलने के लिए चुनाव प्रचार में जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर के साथ प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। रतिया उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल ने सहानुभूति के नाम पर वोट पाने के लिए शर्फी बाई को मैदान में तो उतार दिया, लेकिन बाकी उम्मीदवारों का कहना है कि सहानुभूति उनके साथ होती है जो काम करता है। रतिया के त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों उम्मीदवार जनता की सहानुभूति अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। रतिया में सीट बचाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने सहानुभूति फैक्टर को हथियार बनाया है। हालांकि इनेलो का कहना है कि दिवंगत विधायक ज्ञानचंद उड़ की पत्नी को पार्टी ने नैतिकता के आधार पर उम्मीदवार बनाया है। शर्फी बाई नाहन की जमानत जब्त कराने जा रही है, इसलिए ये आरोप लगाते हैं
इनको आरोप बिल्कुल निराधार है। इंडियन नेशनल लोकदल में हर कार्यकर्ता की इज्जत होती है और हमने जो ज्ञानचंद ओड को एक सम्मान दिया था और उसी को परिवार को फिर सम्मान दिया, हमने तो टिकट दिया है, परंतु आज इलाके की जनता जो उनको सम्मान दे रही है वो भी देखने लायक। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार जनरल सिंह का दावा है कि जनता की सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि पिछले चुनाव में वे बेहद कम अंतर से हार गए थे। लोगों का मन बन चुका है कि अब हमने रतिया हलके का अपने विकास करवाना है, इसलिए किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिलेगी। अगर सहानुभूति मिलेगी तो वो जरनैल सिंह को मिलेगी, क्योंकि मैं पिछली बार बहुत ही कम वोटों से रह गया था, इसलिए जो है अब लोगों का जो मन बना हुआ है कि इस बार तो जरनैल सिंह को सेवा का मौका देंगे और रतिया हलका की जनता चाहती है कि जरनैल सिंह को ही हम सेवा का मौका देंगे। जबकि हज का भाजपा गठबंधन ये प्रचार करने में जुटा है कि जनता की सहानुभूति काम करने वालों के साथ होती है और सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि उन्हें अब तक जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिला। सहानुभूति उनके प्रति होती है जो क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाते हैं और करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। जिन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ किया नहीं हो, क्षेत्र के लोगों का भला नहीं किया हो, उनके प्रति कभी सहानुभूति नहीं होती। माही प्रसाद जी यहाँ से सफल होंगे ये सारे क्षेत्र में घूमने से पता चलता है। तीनों पार्टियां अपने साथ जनता की सहानुभूति होने का दावा कर रही है, लेकिन जनता ये इंतजार कर रही है कि उनके नुमाइंदे हलके के साथ कब सहानुभूति दिखाएंगे और विकास कब होगा। इनेलो का स्लोगन है दिल की सुनिए, इनेलो को चुनिए, तो कांग्रेस का कहना है कि दिमाग से काम लें और विकास के लिए सरकार का साथ दें। जबकि त्रिकोणीय मुकाबले में हजका बीजेपी गठबंधन लोगों को भविष्य के सपने दिखा रहा है, यानी तीनों ही पार्टियां अपने अपने नजरिए से लोगों की सहानुभूति पाने का प्रयास कर रही हैं। कैमरामैन संजीव और सहयोगी अशोक ग्रोवर के साथ प्रवीण गौतम, हरियाणा न्यूज, रतिया। रतिया, विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता लगातार अपना समर्थन मजबूत करने में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि गोविंद कांडा ने बुधवार को रतिया की अरोड़ धर्मशाला में अरोड़ वंश के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद लोगों ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कांग्रेस उम्मीदवार जरनैल सिंह की जीत का दावा किया। कांग्रेस का समर्थन लगभग यहाँ से काफी उत्साह मिल रहा है और ये रतिया सीट कांग्रेस कम से कम भी 5,000 वोटों से जीतेगी। अब समय है ब्रेक का, बुलेटिन में आगे देखेंगे। प्रदेश को अग्रणी बनाने में महालेखाकार की अहम भूमिका, चंडीगढ़ में कहा राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने। और कालांवली में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए की रुई जलकर राख।